हेलो फ्रेंड्स, कुक यम यम बाय कल्पना सांखला में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाने वाले हैं, जिसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। आज हम बनाएंगे पोहे और गेहूं के आटे से एक बहुत ही नई तरह की मिठाई। चलिए, और इसमें हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। एक बाउल हमने गेहूं का आटा लिया है, आधा बाउल शक्कर का बूरा, एक छोटा बाउल पोहा, घी और थोड़ी सी कुटी हुई बादाम और पिस्ता। सबसे पहले हम पैन में घी डालेंगे। और घी को गर्म करेंगे। देखिए, हमारा घी गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम पोहे को डीप फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे पोहे को हमने डीप फ्राई कर लिया। इन सब पोहे को हमने डीप फ्राई करके निकाल लिया। ये देखिए, हमारे पोहे डीप फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम साइड में रख देंगे। अब हम आटे को इस घी में डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से सेकेंगे। फ्लेम हमें लो ही रखना है। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये देखिए, हमारा आटा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम एक चम्मच की सहायता से पोहे को हल्का सा क्रश कर लेंगे। ध्यान रहे, ज़्यादा बारीक ना हो। अब हम इस सिके हुए आटे को इस बाउल में डालते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम शक्कर को मिलाएंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। इसलिए जब भी कभी मीठा खाने का मन हो, इस मिठाई को आप ज़रूर ट्राई करें। अभी मैं इसे अच्छे से मेश करेंगे। ये देखिए, शक्कर इसमें से अच्छे से मिक्स हो चुकी है।
अब हम एक किनार वाली प्लेट पर घी लगाएंगे जो कि मैंने पहले से तैयार करके रखा है। अब इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसे हम चम्मच से ही सेट कर देंगे। ये देखिए, इसको हमने प्लेट में सेट कर दिया। हल्का सा इसे हम ठीक ही रखेंगे ताकि पीस अच्छे से बने। अब इसके ऊपर हम जो बादाम और पिस्ता हमारे पास कूटी हुई, उससे गार्निश कर देंगे। और इसे भी हल्का सा चम्मच से हम प्रेस कर देंगे ताकि बादाम और पिस्ते अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए, फिर इसके हम पीस कट करेंगे। ये देखिए, ये सेट हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम इसके पीस करेंगे। ये देखिए, एकदम सुंदर, इजी और टेस्टी रेसिपी है। ये देखिए, हमारी पोहे और आटे की मिठाई एकदम तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।